लोग कहते हैं कि क्या एक इट्स अ रोम कॉम है, क्या आजकल वर्ड्स हो गए, तो इसका एक नया फ्रेज मैंने किया है, रोम एवेंचर, यानी कि एक रोमांटिक एडवेंचर है। कहानी में एक नयापन ये है कि एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की है, 18 साल की है, साउथ अफ्रीका में पढ़ती है, अपनी फ्रीडम चाहती है, 12th के बाद हॉलीडे पे जाना चाहती है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन सडनली उसके जो फादर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और उसकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है। अब सडनली सिक्योरिटी आ गई है, थ्रेट्स हैं वगैरह वगैरह, और उससे एकदम लगता है कि एकदम मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, बंदिश दोस्तों से नहीं मिल पा रही है, किसी से खुल के बाहर नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए टेररिस्ट थ्रेट्स भी है। तो दो एजेंट्स भेजे जाते हैं और अलग अलग आते हैं वो लोग, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो एजेंट एक है एलिजा रे, एक हूँ मैं, और हम एक्चुअली 7 साल पहले डिवोर्स हो चुके हैं, हम एक दूसरे से मिले नहीं, और अब सडनली इस मिशन में साथ में आए, और हम अब एकदम एक तरीके से टोटली फ्लैबरगास्टेड भी हैं, मतलब ये हद हो गई यार, इसके साथ कहाँ चिपका दिया मुझे, तो वो एक फीलिंग है। तो ये जो एक कपल पीछे चल रहा है और फिर वो लड़की भाग जाती है एक जवान लड़के के साथ, और वहाँ पे वो अपने जहाँ पे उसको जाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे टेररिस्ट हैं, हम दोनों पीछे चेस कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी कहानी है बीच में लीजा की और मेरी, हमारा जो एक पास्ट है, हमारा माजी है, और किस तरह से हमारा रिलेशनशिप रहा था और अब क्या हो रहा है, तो ये सारे लेके एक एडवेंचर एक कहानी है साउथ अफ्रीका में। ये लीजा मुझे एक्चुअली मैं काफ़ी प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ, बिकॉज जानता मैं पहले से था, और जब शुरू शुरू में वो 90s में आई थी तो शी वॉज द हॉटेस्ट थिंग सिंस लाइक स्लाइस ब्रेड, तो लीजा रे वॉज लाइक 90s कौन सा ग्लैड रैक्स का कवर था उनका, एवरीबडी लाइक, बट बाद में जो भी उनके साथ एक ज़िंदगी में कैंसर से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और एक स्पिरिचुअलिज्म आ गया, एक ठहराव आ गया, एक मेच्योरिटी आई, लेकिन एक्टिंग में आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि वो बहुत मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, क्योंकि वो बाकायदा लंदन स्कूल में ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग कर चुकी हैं एक्टिंग की, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कॉमेडी में एक जो इम्प्रोवाइजेशन होता है वो बहुत अच्छा मैनेज हुआ हम दोनों के बीच।